हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इंडक्शन कितने वाट का होता है और जब हम उसका हीटेंस यानी उसकी गर्मी को कम करते हैं प्लस माइनस की सहायता से, जब हम उसको माइनस में लाते हैं यानी कम करते हैं उसका टेम्परेचर या उसको उष्मा उसका कम करते हैं गर्मी, तो क्या वहाँ हमारा वाट घटता है कि नहीं घटता है? क्या जो है कि इंडक्शन रेगुलर एक ही वाट पे चलता है कि या घटाया बढ़ाया जा सकता है, और काम के अनुसार इंडक्शन कैसा लाइन लेता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक इंडक्शन है और इंडक्शन को मैं पीछे से दिखा देता हूँ। पहले मैं इंडक्शन को आपको पीछे से दिखा देता हूँ और इसको यूज़ किया जाता है, पुराना होने की वजह से यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका स्टिकर थोड़ा हट चुका है। और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ इसका वाट, यहाँ आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे जो है कि 1600 वाट लिखा हुआ है और यह 1600 वाट का है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यह 1600 वाट लाइन कब लेता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि यह इंडक्शन 1600 वाट का लाइन कब लेता है। आइए मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 120 और यहाँ 300, यहाँ 500, यहाँ 700, यहाँ 900, यहाँ 1100 और यहाँ 1300 और उसके बाद यहाँ 1600 W, ये वाट लिखा हुआ है। 120, 300, 500, 700, 900, 1100, 1300, 1600, ये वाट लिखा हुआ है। जब हम इसको एक्टिव करते हैं तो क्या होता है कि लगभग 700 वाट पे ये एक्टिव होता है। जब ये एक्टिव होता है तो यहाँ 3-4 पॉइंट बल्ब जलता है। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ भी ये वाट का पॉइंट है 120, 300, 500, इसके सामने यहाँ छोटा छोटा रेड कलर का लाइट होता है। तो जब ये एक्टिव होता है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मीडियम यानी 700 वाट तक ये एक्टिव होता है और यहाँ प्लस की सहायता से 900, 1100, 1300, 1600 किया जा सकता है। और जब एक्टिव होता है तो वो 700 रहता है, वहाँ से आप माइनस की सहायता से 500, 300, 120 कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मिनिमम है और ये मीडियम है और ये मैक्सिमम है। यहाँ एकदम सबसे कम है 120 वाट और सबसे ज़्यादा 1600 वाट है। लेकिन ये जो वाट लिखा हुआ है ये भी बिल्कुल एकदम सही कंपनी के द्वारा लिखा हुआ है। यहाँ जब आप 120 पे चलाएंगे तो ये 120 वाट लेगा, ये 300 वाट लेगा, ये 500 वाट लेगा, ये 700 वाट लेगा, ये 900 वाट लेगा और जो है कि ये 1100 वाट लेगा और ये जो है कि 1300 वाट लेगा और यह जो है कि 1600 वाट लेगा। तो इस तरीके से अगर आप इंडक्शन को जितना यूज करेंगे, जितना हीटेंस देंगे, जितना यहाँ से आप जो है कि प्लस माइनस से जितना पे आप सेट करके, जितना टेम्परेचर सेट करके चलाएंगे, 120, 300, 500, 700 जितना आप यूज करेंगे उतना ही वाट यह लाइन लेता है। और यह जो है कि जितना आप यूज करेंगे, जितना हीटेंस आपको चाहिए, जितना आपको यूज करना है उतना वाट ही लाइन लेता है। अगर आप इसको जो है कि इसको आप प्लग करके चालू कर देते हैं और इस पर बर्तन नहीं रखते हैं, अगर यह हीटिंग का काम नहीं करता है, अगर आप इस पर बर्तन नहीं रखे हुए हैं, इसको सिर्फ करंट में प्लग कर दिए हुए हैं और आपका इंडक्शन चल रहा है, तो यह जो है कि लगभग एक वाट आधा वाट लेता है, क्योंकि यह इंडक्शन एक्टिव होता है और एक्टिव होने पर यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको कूल करने के लिए यहाँ पीछे फैन लगा होता है, ये फैन चलता रहता है। बाकी ये इसका हीटेंस का सिस्टम नहीं चलता है बर्तन न रखने पर। जब ये बर्तन को सेंस करता है तभी यह चालू होता है, या बर्तन सेंस नहीं करता है तो यह चालू नहीं होता है, गर्म नहीं होता है। तो जब बर्तन आपका नहीं रखा होगा, आपका ये वाट कितना हो रहे, चाहे वो 120 रहे, चाहे वो 1600 रहे, कितना हो वाट रहे, और यहाँ बर्तन नहीं रखा गया, आपका इंडक्शन खाली है, तो वो उस समय जो है कि एक वाट तक, आधा वाट, एक वाट, डेढ़ वाट तक यह सिर्फ और सिर्फ लाइन लेता है। और उसमें जो है कि इसका जो फैन पीछे से चलता है ठंडा करने के लिए वही चलता है, और जब आप इसको यूज करेंगे तभी लेता है। उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 120, 300, 500 में क्या होता है कभी कभी कि जब ये हीट करता है, क्या होता है कि जैसे आपने कोई सामान रख दिया, जब ये हीट करता है तो इसका जो ही टेम्परेचर ऊपर होता है ये कट ऑफ हो जाता है, यानी जो ही थोड़ा सा हीट करेगा फिर बंद हो जाएगा, फिर हीट करेगा फिर बंद हो जाएगा, फिर हीट करेगा फिर बंद हो जाएगा। ऐसा भी यह चलता है जब आप इसको लो वाट पे यानी हल्की गर्मी देने के लिए, हल्का जो है कि उसका उष्मा लेने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तब, तो जब आप धीमा करेंगे, जैसे आप एकदम धीमा 120 पे, यहाँ जैसे आपने 120 पे यहाँ कुछ भी रख दिया है बॉयल करने के लिए, या आप उसको गर्म कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं 120 पे, तो वहाँ क्या होगा कि 2 सेकंड के लिए चलेगा, फिर 2 सेकंड में 120 वाट की गर्मी जहाँ उत्पन्न हुई, फिर उससे ज़्यादा 125 होगा, 122 होगा, वो तुरंत कट ऑफ हो जाएगा, फिर चलेगा। तो उस समय यह जो है कि जिस तरीके से चलता है, ऐसा नहीं है कि वो रेगुलर 120 लेता रहेगा, जब यह सेटअप चलेगा, जब यह गर्म करेगा तभी लाइन लेगा, अन्यथा जो है कि 1 से 1.5 वाट यह लाइन लेता है। तो अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।